Hey guys, welcome back to my channel, प्रिया प्रियादी दी ब्लॉग्स। ब्लॉग सो फ्रेंड्स, बाय टाइटल आप लोगों को पता चल ही होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। रात के कितने बज रहे हैं दीप? 11 o'clock, 11 बज गए। ठीक है, इतनी रात में हमें वीडियो शूट कर रहे हैं। सो आज है हमारा बर्थडे, इसी के लिए थोड़ा सा लेट हो गया वो ब्लॉग आपको। फिर से भैया हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। वो ब्लॉग आपको ना इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे आइडिया भी नहीं था आज मैंने वीडियो डाला, पता है उस पर क्या कमेंट आ रहा है कि आपके मायके वालों का गिफ्ट सबसे बेकार है। और उस कमेंट को 30-30, 40-40 लोगों ने लाइक किया। हाँ, जो जिसमें कपड़ा उपड़ा दिखाया था, तो अगर बेकार होता ना मैं प्रानवी को कतई ना पहनाती, मेरा रिकॉर्ड अच्छा, है। हाँ, ये देखो उनके मामा ने दिया था। ए अनिकेत यार, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैंने व्लॉग में बोला हुआ है कि बच्चों का गिफ्ट है, मतलब जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, घर से अलग से गिफ्ट आया था, लेकिन वो लोग अपनी खुशी के लिए, भाई कोई मामा है कोई मासी है, आप फीलिंग समझ रहे हो? नहीं, मुझे लग रहा है आप लोगों को फीलिंग समझना नहीं आता। बिल्कुल। या फिर आप लोगों को ना जो आपके मामा के यहाँ से मान लो कपड़े मिल रहे हैं वो आपको अच्छे नहीं लगते, बेकार लगते हैं, थर्ड क्वालिटी के लगते हैं। मुझे बहुत बैड लगा आज, तो आपने बोल दिया आज के बाद कतई कभी भी मत बोलना मेरे चैनल पे ही नहीं, किसी के भी चैनल पे। मामा मासी मामी नाना नानी जो भी गिफ्ट देते हैं ना यार, उनकी कोई कीमत ही नहीं होती, बेशकीमती होते हैं वो भी। हो गए फ्रेंड्स, हो गए फैमिली, हो गए। या और मैं हमेशा मेरे ब्लॉग में बोलती हूँ, वीडियो में बोलती हूँ कि गिफ्ट मैटर नहीं करता मेरे लिए, उनका प्यार मैटर करता। मेरे लिए हमेशा से गिफ्ट मैटर नहीं करता। नो मैटर कि गिफ्ट 1 रुपए का है, 10 रुपए का है, 100 रुपए का है, प्यार मैटर करता है। और उनकी ना ये भावना है, मैं लिटरली बताऊं, मैं इन सब के फेवर में नहीं हूं। जो आज दिखाया जाए चीजें दिखाई जाए, बट यही अगर ना दिखाई जाए लोगों के यही लगे कि उन्होंने लेकर रख लिया, दिखाया हाँ, नहीं। दिखाया बाकी नहीं। मैं फेवर में नहीं हूं। मुझे क्या मिला, मेरे फ्रेंड्स ने, जो इनके फ्रेंड्स आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कोई बोला? मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग हमारे यहां आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लिटरली सबसे जितने टाइम ही हमारे लिए सबसे ज्यादा बेशकीमती गिफ्ट था, क्योंकि आप लोग देखो कुछ लोग क्या थे, 30 को आ गए थे। भाई आज के समय में टाइम का बड़ा मैनेजमेंट करना बहुत टफ है। बहुत आप लोग 30 हमें सरप्राइज, कितनी सारे लोगों ने सरप्राइज दे दिया हमें, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आपको बता नहीं सकते, आप लोग नहीं आते ना तो हमारी पार्टी इनकम्प्लीट हो जाती। हमने जो प्रियू का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन किया था वो भी इनकम्प्लीट हो जाता, मतलब उसमें कुछ होता ही नहीं, क्योंकि हमारे मायके वालों का कुछ फिक्स नहीं था कि वो 30 को आएंगे। लेकिन जब हमने भाई से बात करी, भाई सब आ गए हैं यार, तो भाई हमारा वहां से 8 या 8:30, 9 बजे निकला था। 11 बजे निकले थे, सोचो 11 बजे रात में निकले थे, यहाँ वो लोग 3 बजे आए थे, 3:30 बजे। बाकी तो सोचो ना, और जो आप लोग आ गए थे, आप लोगों की वजह हमसे, हम लोगों ने कितना इंजॉय किया। आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिएगा। खैर, ये वीडियो उस टॉपिक पे नहीं है, ये दूसरा टॉपिक है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी, प्लीज प्रत्युष के फेस पे बिल्कुल भी मत जाना, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। सुबह से हाँ, ओमेट लूज मोशन, तो क्या ही बताओ, उसके फेस पे बिल्कुल भी मत जाना। हाँ, वही चीज। मैं खुद से आया हूँ वीडियो में। मेरा बच्चा, लव यू। हाँ, तो जो लोग इतनी इतनी दूर से आए ना, मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगी। तो प्रत्युष को मैंने भेज दिया, हो गया सोने। अब हम स्टार्ट करते हैं ज्वेलरी दिखाने से, तो जो भी सामने आएगा सबसे पहले मैं उसे ही दिखा दूंगी। हाँ, सब रैंडम है, ऐसा कुछ है। सेजल सिंह, मेकअप लवर सेजल, तो लेके आई हैं, मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही प्यारी इयररिंग है प्रियू के लिए। और उधर उधर दिखाओ, कैसे मैं दिखाऊं, वही मैं सही से इसको कर रही हूँ। तो ये है वो इयररिंग, अब दिखा रहे हैं हमारे मायके से क्या आया। तो वैसे मैंने ब्लॉग में दिखा दिया था, मम्मा जब पहना रही थी ये चैन। ऐसे खड़ा करो, बहुत पास नहीं, पीछे एक मिनट। तो ये चैन प्रियू के लिए बनवाई गई है, चैन प्रियू को मिली ये है। गिफ्ट उनके नाना नानी, उनके मामा मामा मामी की तरफ से है। ये नम्रता जी का है। ओ वाह, नम्रता का चैनल है। हाँ। नम्रता की दुनिया, भाई मैं सोच रही हूँ। नम्रता जी हैं, वो हमारे यहीं लखनऊ से ही हैं। और आज मेरा बर्थडे था, सुबह सुबह फोन करी थी, बोल रही थी कि जब भी बिटिया के कान छिदवाना सबसे पहले ना मासी हाँ। का दिया हुआ इयररिंग ही पहनाना, बहुत ही प्यारी सी इयररिंग है। बहुत प्यारा गिफ्ट है इनका, देखो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ये है गोल्ड की इयररिंग, और साइज देखिए कितनी अच्छी है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ।
प्रियु जब इसे पहनेगी तो कैसे उसके कानों में लगना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। थोड़ा सा इसका डिज़ाइन मैं आपको दिखा दे रही हूँ, अलग डिज़ाइन है वो, एकदम अलग है। देखिए दिख रहा है कि नहीं, तो इसके डिज़ाइन बहुत अलग है। तो अब है ये गिफ्ट गांव की शांति की तरफ से, तो ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। मैं आपको बता दूँ, ये ना बहुत प्यारा सा लॉकेट है, अंदर ही गिर गया था, तो कुछ इस तरीके से लॉकेट है, गोल्ड का है, इस पे ओम मेंशन है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए गोल्ड की, अच्छे से इसको रिकॉर्ड करो, बहुत ही प्यारा है। दिखा? अच्छे से दिख जाए तो ज़्यादा सही है। और आप आए, हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं सब लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग आके ना हमारी पार्टी में चार चांद लगा दिए, आप लोगों की वजह से हम लोग इतना ज़्यादा इंजॉय किए, कब यार दो दिन बीत गया पता ही नहीं चला। सही बात, बिल्कुल। आप लोगों जाने के बाद पूरा घर एकदम खाली, मैं तो इतना रोई हूँ ना कि क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन, मतलब क्या हो गया, ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं घर में, आप लोग जब चले गए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ। तो ये सृष्टि आयुष को तो आप लोग जानते हो, सृष्टि दी ने दिया हुआ है, उन्होंने दो गिफ्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं गोल्ड जो उन्होंने दिया हुआ है, लॉकेट ये है, देखिए कुछ इस तरीके से है, इस पे भी ओम बना हुआ, ओम लिखा हुआ है। उन्होंने प्रियु के लिए दो गिफ्ट दिया हुआ है, तो गोल्ड गोल्ड का लॉकेट है, इसके बाद सिल्वर, हाँ सिल्वर की बैंगल है, और बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन लगी मुझे। थैंक यू सृष्टि दी, आप आए, आप सबसे पहले आए, आपने हर एक चीज़ मुझे गाइड किया, उसके लिए जितना थैंक यू बोलूँ कम है। बड़ी बहन की तरह आप हर एक चीज़ को हमें गाइड कर रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जीजू तो भाई बिंदास हैं अपने मस्त नेचर के, उनको जहाँ बोल दो, जहाँ जैसे बोल दो, सब वो करने के लिए रेडी रहते हैं। बहुत मजा किया, बहुत ही अच्छी वाइब आती है, मुझे सच बताऊँ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। जब भी मैं परेशान होती हूँ, देखे पास कॉल करती हूँ, माता रानी हमारे इस बॉन्ड को कभी किसी की नज़र ना लगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ, तो ये है हमारी फ्रेंड आकांक्षा फैमिली चैनल की तरफ से। एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, प्लीज़ कोई ये मत सोचिएगा कि इनका गिफ्ट पहले दिखाए, उनका जो भी हाथ में आता जा रहा है वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। गिफ्ट बहुत ज़्यादा हैं, आई थिंक 20 या 21 हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला, लेकिन हाँ मैं ना इस वीडियो को और पार्ट में नहीं डिवाइड करना चाह रही। ये देख रहा आप, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है, इनकी स्कूल फ्रेंड है आकांक्षा जी, रिलेशन में इनकी बुआ लगते हैं। आलोक भाई थैंक यू, आप लोग आए मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा दिखा ठीक से? डिजाइन बहुत ही अच्छी है इसकी पायल की, तो मैं इसको प्रियु को पहनाऊंगी। इनके हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे लगे, आलोक भाई थैंक यू सो मच आपका। मैं उनको भैया बुलाती हूँ, उनका जो बिहेवियर एकदम अच्छा था, मस्त वाला, मतलब ऐसा लगी नहीं हम उनसे पहली बार मिले। उनको पता है नीचे मतलब बिछा के मस्त एकदम, हम लोग चिल पिल कर रहे थे, यहाँ जाना वहाँ जाना, थोड़ा सा घूमने को ज्यादा नहीं मिला। वो नहीं, वो खुद भी कहते थे कहीं नीचे भी जाना, चलो हम भी चल रहे साथ, मतलब साथ में, हाँ मतलब साथ में हर एक चीज की, ये चीज कर ले रहे, ये चीज कर ले रहे, खुद ही चले आते थे, बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद ये है साक्षी मेहंदी आर्ट की तरफ से, वो आई थी इतनी दूर फतेहपुर से आई थी ना, बांदा से आई थी। मतलब सच बोलूं, सुबह मैंने उनके हस्बैंड को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि उनका भाई बीमार है, एडमिट है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, जब वो यहाँ पहुँच गई हैं लखनऊ पहुँच के, तब बोली दी एड्रेस दीजिए, मतलब एड्रेस तो उनको मैंने भेज दिया था जब कार्ड भेजा था, उन्होंने बोला दी मुझे वो दे दीजिए एग्जैक्ट, हाँ लाइव लोकेशन। तो मैंने कहा कहाँ हो तो मैं तो लखनऊ पहुँच गई। चिट्ठी इनकी मिली साक्षी जी की, इनका लिखा साक्षी अभिषेक गुप्ता, थैंक यू साक्षी आप आई, आपकी शादी में नहीं आए थे उसके लिए अगेन सो सॉरी साक्षी। हाँ थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं ज़्यादा मतलब मुश्किल से 5 ही मिनट इनसे मिल पाई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ इस तरीके से इनका इन्होंने जो गिफ्ट दिया है, पायल और बहुत सारे कपड़े गिफ्ट सब लोग लेके आए थे, लेकिन ये ज्वेलरी का मैं अलग से रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक वीडियो बना हो पाता ना, डिजाइन बहुत ही प्यारी डिजाइन है, थैंक यू सो मच। तो ये पायल है बहुत प्यारा सा, आप ना एक काम करो, आप उसको निकालते जाओ ना, नहीं तो सही है, नहीं मैं रखता जा रहा हूँ। अब ये जो गिफ्ट है पंकज निशा परसून की तरफ से है, मैंने देख लिया था, बहुत ही प्यारा आप लोग आए, गिफ्ट से ज्यादा वैल्यूएबल हमारे लिए आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। ये गिफ्ट तो ठीक है, बहुत छोटा है कि आपको, आप लोग
कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जिससे लगा हो कि इनसे अच्छी वाइब ना आई हो। आप बहुत लोग आए, मजा आया, आप लोग आए वही हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था। तो ये है सिल्वर का, इसको नजर मान का भी हम लोगों के यहाँ बोलते हैं। और अभी तक सच बताओ मैंने प्रियो के लिए ऐसा कुछ बनवाया भी नहीं था, तो जितने गिफ्ट आए हैं ना बहुत, ये इंतजार में इनके मायके से मिले सच्ची और मैं मायके जा नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ चली जाऊंगी, बहुत खर्चा बढ़ जाएगा। एक्चुअली झूठ बोल रही हूँ यार, मुहूर्त ही नहीं बन रहा है कि मुहूर्त बन जाए तो जाए, बन ही नहीं पा रहा है। इस बार लगन भी नहीं था ना, तो दिक्कत यही हो गई, नहीं तो मैं गई होती, उन लोगों का पैसा थोड़ी ना बचाती। अब ये नेक्स्ट पिटारा खुल रहा है, इसमें देखूंगा किसका ये है। रीना जी, रीना जी, रीना जी, रीना मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर थी, बट वो कम फैमिली मेंबर बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। रीना जी अभी भी वो यूट्यूबर नहीं है, वो यूट्यूबर नहीं, वो वेरी फैमिली, मतलब वो फ्रेंड सब्सक्राइबर ही है। आएंगे क्या क्या हुआ बेटा, क्या वो फैमिली पर्सन ही है? हाँ, तो उन्होंने बहुत ही प्यारा सा है। रीना जी आई, ये है प्रियू के लिए, और वो बड़ी साइज दी है, जब प्रियू हमारी बड़ी हो जाए तब भी पहने। ये है ब्रेस्ट, वो क्या बोलते हैं, कंगन, अच्छा हाँ सिल्वर का ये है कंगन, बहुत ही प्यारी डिजाइन है यार। रीना जी को हमसे एक शिकायत है, हम लोग यहाँ लखनऊ आज भी मुझे लिखी थी, रो रही थी। रीना जी डोंट वरी, हमने आपको बोला आप जिस दिन कहेंगे हम आपके घर आ जाएंगे, पक्का ये वादा रहा हमारा आपसे, आप जिस दिन मैसेज कर देंगे प्रिया को, हम चाहे आधे घंटे के लिए पहुंचे। आज ही मैसेज की थी कि सही से बताओ कब आ रहे हो आप जिस दिन कहेंगे क्या, अब इसके बाद हम जरूर आएंगे आपके यहाँ। अब इसके बाद ये है सतीश ज्वेलर्स, नाम लिखा है ना, प्रीति साहु, प्रीति जीतू, प्रीति जीतू यानी प्रीति मेकअप, प्रीति मेकअप है उनका है। तो इस ये वाले गिफ्ट मैंने देख लिए थे, इलाहाबाद से है। वाव, ये है छमछम वाली पायल, प्रीति मेकअप को तो आप लोग जानते ही हो, ये बाबू के बर्थडे में भी आई थी, बहुत ही अच्छा बिहेव है इनका, मतलब स्वभाव इनका बहुत ही अच्छा है। प्रीति जन जीतू भाई आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से चुन वाला पायल है। और हाँ, प्रीति दी, प्रियंका दी, दोनों ना बिटिया की नेमिंग सेरेमनी में आई थी, तो वो लोग जो है जो ज्वेलरी लेके आई थी, जिसको मैंने अपने ब्लॉग में ऑलरेडी मेंशन किया था, तो ये पायल है। उन लोग का ऑलरेडी गिफ्ट पहले रिसीव हो चुका था। और इस बार बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रॉक्स टॉयज लेके आई, जो कि इसके पहले पार्ट टू में या पार्ट वन में दिखा होगा। नेक्स्ट है ये किसका है, रोली सिंह, रोली सिंह, रोली ठाकुर, बहुत काम की, मतलब इनको सजा दिया आपने मेरे लिए, मुझे ही नहीं, मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली में हर किसी को, एक चीज सबको तैयार करके खुद तैयार होकर टाइम से पहुंच गई। और पता है अपना सैलून बंद करके आई थी मेरे लिए, कंघिया छूटी है कई हमारे यहाँ, हाँ उसको लालक में रख लू, नहीं मैं रख ले रही हूँ, दूसरी ले लेना क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, मैं भी ट्राई कर रहा था, बाल में अच्छी चल रही थी। तो ये जो है, अच्छा हाँ, ये ना बहुत ही सुंदर है, सिल्वर का ब्रेसलेट, बहुत ही प्यारी डिजाइन है देखो। तो प्रियो को ही आएगा कि नहीं, प्रियो को ना आए तो मैं ही पहन लूं, मुझे तो क्या यार, थोड़ी साइज बड़ा करके लेके आना था ना, मैं पहन लेती, लेके आ रहे थे, थोड़ी सी छोटी पड़ रही है। मस्त, बहुत अच्छा ब्रेसलेट है, मुझे आपने इतने अच्छे से रेडी किया, और सबसे ज़्यादा पता है मुझे हेयर स्टाइल को लेकर डर लग रहा था, बट आपने मेरी हेयर स्टाइल बनाई, और हेयर स्टाइल पता है मैंने तीन दिन तक नहीं छुड़ाया था, आप मेरे ब्लॉग में जाके देख सकते हो, सब मुझे बोल रहे थे चेंज कर लो, मैंने यार कितना अच्छा लग रहा है, पता उस दिन तो उतना अच्छा खिल के नहीं आ रहा था, नेक्स्ट डे बहुत ही अच्छी हेयर स्टाइल लग रही, थोड़ा सा हेयर ना मेसी मेसी हो गए थे। ये आपके पुराने फ्रेंड प्रिशा जी का है, प्रिशा, वैसे तो उनका नाम परमीला है, मैंने इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हुआ है, प्रिशा ब्यूटी उनके यूट्यूब चैनल का नाम है। तो दो गिफ्ट लेके आई हैं, सैलून है उनका, उनका पार्लर है, तो उनके हस्बैंड सुधीर भाई, नाम मुझे याद है, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत ही, तो प्रिशा एंड सुधीर भाई थैंक यू। और उनका हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, तो मैं क्या बोल रही थी पता है आपको, कि प्रिशा से हमारा रिश्ता 5-6 साल पुराना है, और इतना लंबा रिश्ता चलने का एक ही मतलब है, एल्डिको में रहते थे मैं 2019 में आया था तब से, ये जो है हमारा रिश्ता चलने का मतलब यही है ना, कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, मतलब कभी मैंने नहीं सुना कि वो किसी से कंप्लेन कर रही हो। बाबू बर्थडे में आई थी ना, हाँ, मेरे पास वो सारी पिक्चर संभाल संभाल के मेरी रखी हुई है, तो अब की बार बर्थडे में लगाई थी, और मेरे लिए बहुत ही प्यारा सा बिछिया लेके आई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, थैंक यू। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना डिजाइन, दिख गया। नेक्स्ट गिफ्ट है इनकी बहुत पुरानी फ्रेंड DRX अनुराधा शाही, डॉक्टर है वो,
और आज से नहीं, जब मैंने चैनल बनाया था, फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो। हाँ हाँ, और सोचो मेरे यहाँ आई इतना मतलब साधारण वे में, बिल्कुल बहुत सिंपल, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल अनुराधा। और हम लोग, हमको याद, हम लोग जब गए थे बनारस तो होटल भी अनुराधा ने ही, उनके भाई ने बुक कराया था, और मुझसे मिलने आई थी भाई, नई नई शादी हुई थी उनकी, फिर भी अपने ससुराल से आई थी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। ये पायल मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एक चीज आपने नोटिस करी, जितने पायल है सबके डिजाइन अलग अलग है। अब ये बहुत पुरानी, हाँ बहुत पुरानी फ्रेंड्स, अब यूट्यूबर, उनका नाम है मेघाज, वैसे रियल उनका जो नेम है वो है मेघा, उनके चैनल का नाम है मिसिकाज फैमिली चैनल। तो इनका पायल देखो, इनकी भी डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही, मेघा एंड शिवम भाई की तरफ से, शिवम भाई की तरफ से है, हाँ उनके दोनों बच्चों की तरफ से। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी पायल है, बहुत ही प्यारी लग रही है देखो। तो इसकी डिजाइन सच में बहुत अच्छी, पता है आप, पता है मुंबई कहाँ से, दमोह से आई थी, मतलब पहली बार शिवम इतनी लॉन्ग ड्राइव किए हैं, मतलब बंदा अकेले चला के आया, हाँ अपनी गाड़ी से आए लोग, बहुत ही ज्यादा, पता है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। उनके छोटे छोटे बच्चे, बच्चे हैं, दो बच्चों, मतलब बच्चों के साथ ट्रेवल करना इम्पॉसिबल सा होता है, और पता है बहुत ही दिक्कतें होती है यार छोटे बच्चों के साथ ट्रेवल करना, बट मेघा थैंक यू यार आप आए, मेघा शिवम भाई आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। पता है जिस दिन प्रोग्राम था उसके एक दिन पहले मैंने मेघा को कॉल किया था कि आप आ रहे हो, तो उन्होंने बताया कि दी मे बी मैं आऊं, मे बी ना आऊं, अगर मैं आऊंगी भी तो 31st को सुबह आऊंगी, बट मैंने कहा नहीं यार टाइमली आ जाना, आएंगे तो हम लोग रात में एंजॉय करेंगे। फिर उसने मुझे सरप्राइज कर दिया कि मैं आ रही हूँ, पता है कब पता चला, शायद शाम में ना, दोपहर में, चार बजे मैसेज का, लोकेशन भेज दीजिए, हाँ लोकेशन भेज दीजिए। तो मैं तो एकदम सरप्राइज हो गई, मेरे कहा वाओ यार ये भी आ रही है, सो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो अब दिखाते हैं इनकी प्यारी जिगरी जिगरदे छल्ली, मेरी जानुड़ी का गिफ्ट, जो मुझे बहुत अच्छी परी हमारी, हाँ। सबकी प्यारी परी हमारी, वो सबको पसंद है, सबसे घुल मिल जाती है, उनके तो... दोनों भाई वाकई नो डाउट, मतलब बोल दो भाई है, जी 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 मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुमित और सचिन, हाँ नहीं कोई आया था जब वो लोग गए किचन से पानी निकाल लिए सब लाके, हाँ। मतलब खुद लाके उनको दिए हैं, सोच लो भाई लोग इतना अपना मानते हैं। एक चीज है मतलब ये भी कहीं घर से बाहर नहीं जाते, बंदे हैं घर पर रहते हैं। और पता है परी की सबसे खास बात क्या है, परी इतनी पसंद है, परी ने नो डाउट अगर देखा जाए तो मेरी मतलब वो मुझे दीदी बोलती है, लेकिन बड़ी बहन का फर्ज एक्चुअली में परी ने निभाया। वो देख रही थी की मैं बच्ची को लेके परेशान हूं, पीने से लेके खाना निकालने से लेके चाय पानी बना, मैंने एक दिन रात के 2 बजे बोला चाय पीनी है, 2 बजे रात में उठ के चाय बनाई। इसके बाद गोलू प्रियंका भी, गांव की शांति की बहन है वो भी, जिस दिन आई थी उस दिन इवन उसने दाल बनाया, जैसे आई वैसे किचन में घुस गई। और पता है बड़ी बहन, मुझे दीदी बोलती है, लेकिन बड़ी बहन का फर्ज वो निभाई, क्योंकि देख रही थी प्रियु, मुझे मतलब प्रियु की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हर जगह सबको पानी देना, सबसे पूछना कि कुछ चाहिए, खाना पीना हर एक चीज, बहुत ही ज्यादा मुझे अगर परी नहीं आती है ना तो पता नहीं क्या होता। उनके दोनों भाई, उनको भी ये थोड़ा सा इधर, मैं किसी को देखो जी जी क्या काम ये बेटा, ठीक है तुरंत जी 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 कर रहा हूँ जी 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 जी। तो ये है इनके पायल की डिजाइन, देखो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा परी जैसी प्यारी है भैया, ऐसे जरा आप हाथ लगाओ, उसकी बिटिया उसकी बड़ी बदमाश है, ऐसे हाथ लगा दो, ये डिजाइन नहीं दिखेगा, हाथ बोल के लगा दो। परी की बिटिया जो है वो बड़ी बदमाश है, हमारे यहाँ आलू और प्याज ले जाके फ्रिज में रख रही थी, परी की बिटिया जो है बड़ी बदमाश है, ले जाके आलू और प्याज फ्रिज में रख रही थी, मैंने उसको आलू बुलाते हैं, मैंने आलू रखा था। ओ सच में बहुत नटखट है, और ऐसे ऐसे इनका मेकअप, दिन भर मेकअप करती, मेरा सारा मेकअप करती, ऐसी बातें करती थी ना जैसे दादी अम्मा करती है, और परी को ये परी मार दूंगी, मतलब जैसे बिंदास दिल्ली वाली लड़कियां होती नहीं वैसे, वो अभी से एकदम धाकड़ वाली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सही बात है, आप लोग परी आए, हाँ परी किचन संभाल ली, शांति जी की दोनों बहनें आए थे, गोलू और प्रियंका वो, और हाँ। एक दिन रात में एक्चुअली पता है प्रियंका भी मतलब शांति भी एक्टिव थी, लेकिन उनको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम, उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा यू नो मतलब शांत रहना, मतलब बैठ जाऊं, हाँ उन वो थोड़ा सा ना परेशान हो गई, उनकी तबीयत खराब हो गई, और दूसरे के यहाँ जाए हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो बहुत बैड फील होता है।
तो जितने भी लोग आए थे ना, सब एकदम हम्बल, डाउन टू अर्थ, केयरिंग पर्सन थे। जैसा कि मैंने बोला था कि मैंने यहाँ पर किसी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर को नहीं बुलाया है, मैंने मेरी फैमिली फ्रेंड को बुलाया हुआ है, तो सब वही थे। आप लोग आए, अपना कीमती समय दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगेन एंड अगेन शुक्रिया करता हूँ आप लोग आए। अगर हमसे कोई गलती कहीं कोई चूक हुई, उसके लिए क्षमा मांगते हैं आप लोगों से। प्लीज आप लोग हमारी कहीं कहीं कोई गलती या कहीं कहीं हुई कोई बात पर आपने दिल मत लीजिएगा, उसके लिए सो सॉरी। ठीक है, तो अब करते हैं इस वीडियो का एंड। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।